ठीक है। सो हम पिछली बार हमने मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कोई भी नई प्रॉपर्टीज जो देखी थी वो कौन सी देखी थी? तीन प्रॉपर्टीज देखी थी, उससे पहले वॉलिस फॉर्मूला देखा था, और उससे पहले क्या देखा था, क्या देखा था? बेसिकली वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के होते थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के, बस वही चीज है कि उसको इंटीग्रेट करके लास्ट उसमें मुझको डेफिनिट कि डेफिनेट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता था लिमिट्स पुट करके। हमने ये सारी की सारी चीज देख ली थी, वॉलिस फॉर्मूला देख लिया। वॉलिस फॉर्मूला में अगर एन एन या एम एन दोनों इवन होते थे तो लास्ट में क्या आता था, पाई बाई टू, ठीक है, और ऑड होते थे तो लास्ट में वन आता था, ठीक है, वो देख लिया। फिर हमने प्रॉपर्टी देखी, सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर एफ एक्स डी एक्स है ए टू बी, तो एफ टी डी टी ए टू बी सेम रहेगा, मतलब मैं एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी में कन्वर्ट कर सकता हूं प्रोवाइडेड लिमिट सेम हो, ए टू बी ए टू बी। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने देखी, अगर ए टू बी लिमिट है तो माइनस टाइम्स बी टू ए लिमिट हो सकती है, राइट। एंड तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी, तीसरी प्रॉपर्टी जो ए, अगर मैं ए टू सी जा रहा हूं तो मैं ए टू बी, बी टू सी भी जा सकता हूं, या फिर ऐसे बोल दो, अगर मैं ए टू बी जा रहा हूं तो आई कैन ब्रेक इट एंड मेक इट ए टू सी एंड देन सी टू बी, ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम बेसिकली आज की प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ, आप लोग फोर, ये फोर ऐसे ऐसे लिखना, फोर्थ वाला, ठीक है। क्यों नहीं रहा, रोमन में लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है मुझको, सीधी सीधी मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि माइनस ए टू ए का लिमिट बहुत जरूरी है फोर्थ प्रॉपर्टी में, क्योंकि अगर लिमिट माइनस ए टू ए नहीं है तो तुम फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। माइनस ए टू ए की बात अगर मैं करूं, अगर फंक्शन मेरा, अगर मेरा फंक्शन इवन है तो इट वुड बी टू टाइम जीरो टू ए। ऐसा क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन जो होता है ना, सिमिट्री होती है इवन फंक्शन। ये कौन सी लाइन है, व्हाट इज दिस लाइन, दिस इज कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस। जितना वाई, जैसा ये वाई एक्सिस के इधर होगा वैसा ही वाई एक्सिस के इधर होगा, तो इवन फंक्शन बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। तो अगर सिमेट्रिकल होता है तो जो एरिया जीरो टू ए में बनाएगा वही एरिया माइनस ए टू जीरो में बनाएगा, माइनस ए टू जीरो में वही एरिया बनाएगा जो जीरो टू ए में बनाएगा। तो इस वजह से टू टाइम जीरो टू ए हो जाता है एफ एक्स डी एक्स। वॉट अबाउट अगर ऑड फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन है तो तुमको ये समझ में आता है कि जो सिमिट्री होती है वो निगेटिव साइन के साथ होती है। अगर इधर पॉजिटिव टू होता है तो उधर माइनस टू होता है। सिमेट्री एक्चुअली ओरिजिन के अक्रॉस होती है ऑड फंक्शन में, इवन फंक्शन में द सिमेट्री इज अक्रॉस, द सिमेट्री इज अबाउट वाई एक्सिस, ऑड फंक्शन में द सिमेट्री इज अबाउट, द सिमेट्री इज अबाउट ओरिजिन। तो ऑब्वियसली उस केस में अगर मेरा राइट हैंड साइड प्लस टू आ रहा है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा होगा, माइनस टू। ऑब्वियसली दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो सीधे वो प्रूफ है, प्रूफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख लोगे उसके बाद तुम्हें सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। मैं आगे बढ़ू, लिख लो सब लोग फोर्थ प्रॉपर्टी, सब लोग फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लो। प्रूफ मैंने वैसे ओरली समझा दिया, उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया है, मैथमेटिकली भी प्रूफ हो सकता है। सर पूरा प्रूफ दिखा दो ना तो हम लिख लेंगे। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, मैं वो शेयर कर दूंगा पीडीएफ, अभी के लिए बस इतना लिख लो, ठीक है एवरीवन, इतना लिख लो, ये प्रॉपर्टी है मेरी। प्रूफ में बेसिकली एक्स इज इक्वल टू माइनस टी मान के पूरा पूरा करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इवन ऑड में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, इधर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। तो नेक्स्ट पेज में वो ये बेसिकली इस वजह से इसके आगे
इसमें क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, दूसरे वाले केस में क्या होगा, एक दूसरे का सब्ट्रैक्शन होगा। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। आंसर, फाइनल आंसर चाहिए मुझको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आई हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन कॉस की पावर 7x dx फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। होपफुली सबको दिख रहा होगा प्रॉपरली। गेट मी द फाइनल फुल फ्लेश फाइनल आंसर। होना चाहिए, सबसे आराम से हो जाएगा, टेक योर टाइम। याद रखना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही में लगा सकते थे, तो ये चीज समझ में आई। दूसरी चीज, अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो एक बार तुरंत माइंड में आना चाहिए कि आई नीड टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मुझको बताओ कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। कॉस फंक्शन कैसा होता है, कॉस फंक्शन कैसा होता है, कॉस फंक्शन इवन होता है, द कॉस फंक्शन इज इवन। ठीक है, तो ये फंक्शन भी बेसिकली इवन है। एक इवन फंक्शन की कोई भी पावर कर दोगे इट विल रिमेन इवन। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा इवन है फॉर श्योर। तो एवरीवन, माय फंक्शन इज बेसिकली इवन, तो इवन होने की वजह से बेसिकली कॉस एक्स इवन होता है, तो कॉस की पावर 7x भी इवन होगा। ऐसा क्यों होता है इवन फंक्शन, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स भी कॉस एक्स होता है ना। इवन फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो पावर 7 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने वो कर लिया। इसके आगे ऑड पावर फॉर्मूला, ये 2 तो 2, 7 तो 642, 7531। ठीक है, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल होता हुआ तो मुझको नहीं दिख रहा है। 96/105, कुछ एक शायद 3 कैंसिल हो रहा है यहां पर। तो क्या आएगा, 48/35। और कुछ, एम आई करेक्ट, नहीं 48 नहीं, 3 कैंसिल होगा ना, 3 3 से डिवाइड होगा ना, 32 बाई 35। ठीक है, गुड, काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया 32/35। बहुत सिंपल सा था, मैंने पहले स्टेप पे ऑब्जर्व कर लिया कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इट इज अ इवन फंक्शन, तो मैं लगा सकता था। उसके बाद मैंने सेकेंड स्टेप पे क्या किया, मैंने वॉलीज लगा दिया। दैट्स इट एवरीवन, सबको आंसर आ गया 32/35। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स dx। आंसर, या फिर आई गेस सर ने एक्चुअली इनवर्स लिख दिया था, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन की पावर 7x dx। ये एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, तने 7 को -1 लिख दिया, इनवर्स लिख दिया, बट एक्चुअली क्वेश्चन ये है। कोई बताएगा ये क्वेश्चन गलत क्यों है, एनीवन कैन एनीवन टेल मी कि ये क्वेश्चन गलत क्यों है। पहला वाला, हाँ स्वयं करेक्ट बोल रहे हो, यस प्रणव गुड, नहीं अक्षय, अच्छा।
बिकॉज साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 to 1। साइन इनवर्स का डोमेन होता है, साइन इनवर्स का एक्स होता है -1 to 1, एंड दिस इज -π/2 से π/2, -1 to 1 और -π/2 से π/2 1.57। ऑब्वियसली π/2 बाहर चला जा रहा है, तो इस वजह से साइन इनवर्स बेसिकली -π/2 से π/2 में डिफाइन ही नहीं होती, तो ये मेरा क्वेश्चन ही गलत है फॉर दैट रीजन। इसका आंसर मुझे डायरेक्टली दिखेगा, क्या है आंसर इसका? साइन इज अ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में मुझे कुछ नहीं सोचना, आई कैन सी डायरेक्टली से अंडा, समझे? गॉट इट? आई डोंट नो बनेगा कि नहीं बनेगा, एक मिनट पता नहीं, मतलब पता नहीं है इतनी, कैसे 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 Who is this? काफी लोग गेस कर लिए। आतिश सर। एक मिनट। समझ में आया बच्चों कौन है? हाँ सही बोल रहे हो। हाँ दिखा रहे थे, यही पीछे थे, अभी सामने नहीं आए, फोन पे थे, बाद में बताएंगे वो, ठीक है। हाँ, तो आंसर आ गया ना, जीरो, दिस इज जीरो, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं। और इस लेवल का क्वेश्चन जानते हो सीटी में भी आते हैं और जेई मेंस में भी आते हैं, जेई मेंस में भी ऐसे आते हैं, बट कैसे आएगा जेई मेंस में, मुझको ये बताओ, इतना इजी थोड़ी आएगा जेई मेंस में, कैसे आएगा? एक क्वेश्चन है जो आगे चल के 3 पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है ड्यू टू, मान लो डिनोमिनेटर कुछ है, न्यूमरेटर कुछ है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट का आंसर सीधे आंसर जीरो हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन में ब्रेक हो गया, तो ऑड फंक्शन जीरो हो गया, इवन फंक्शन का आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है आगे क्वेश्चन में, हम देखेंगे। आंसर जीरो है इधर, पूरा रफ करता हूं, दिस वन, ये ब्रैकेट है, ये मतलब बॉक्स फंक्शन नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल ब्रैकेट, नॉट अ बॉक्स फंक्शन, ठीक है।
माइनस हाफ से हाफ sec x इंटू ln ब्रैकेट में 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है? इसका आंसर बताओ, चलो आई वॉन्ट द आंसर। Everyone, I want the answer for the third one. Sec x into ln bracket में 1 plus x upon 1 minus x. Or this is normal bracket. ठीक है? आंसर बताओ, काफी लोग देख रहे हैं, आंसर बताओ। माइनस हाफ से हाफ है तो कहीं ना कहीं मुझको ये चेक करना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि कहीं ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन तो नहीं है। तो अब यहां पे हम अपनी फंक्शन की थ्योरी रिवाइज करेंगे। आई नीड टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, अगर मैंने फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स मतलब सेक एक्स इंटू एल एन 1 plus x upon 1 minus x. This is my assumed function. तो अब मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा, f of minus x, which is sec of minus x into ln of. x किससे रिप्लेस होगा, माइनस x से, तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा, 1 minus x upon 1 plus x. sec of minus x तो sec x ही होता है, sec x into ln। अच्छा इसमें क्या कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो ये बताओ, ln 1 minus x upon 1 plus x में क्या कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। यस, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे इसको ऊपर से रिलेट करना है, तो मैंने यहां पे एक बाहर माइनस ले लिया और ये 1 plus x upon 1 minus x ही बना दिया। तो इसका सीधा सीधा मेरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन मुझे दिख गया कि इट इज अ ऑड फंक्शन, राइट, इट इज अ ऑड फंक्शन। तो यस, डन हो गया मैं, ऑड फंक्शन। जैसे ही मुझे ऑड फंक्शन मिल गया उसके बाद मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा, अंडा, ठीक है, डन, गॉट इट। ऑड फंक्शन जीरो, इवन फंक्शन टू टाइम्स, इवन फंक्शन में मुझे सॉल्व करने की जरूरत होती, बट वो देखते आगे कैसे सॉल्व होता, वो तो मेरे ऊपर है। बढ़े, मूव करें, इंपॉर्टेंट ये चीज है, और ये चीज अगर किसी को भूल गई हो तो फंक्शन की थ्योरी से रिवाइज कर लेना, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो। व्हाट अबाउट दिस, बॉक्स एक्स प्लस ln, और ये बॉक्स नहीं है, ये बॉक्स नहीं है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज बॉक्स, द सेकेंड पार्ट इज नॉर्मल। व्हाट अबाउट दिस, इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ प्रणव, गुड, बाकी लोग होना चाहिए, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फाइनल आंसर निकालना, जिसको भी समझ में आ गया है, आई वॉन्ट द फाइनल आंसर, बिल्कुल फाइनल आंसर क्या होगा। ओके अश्वत, गुड, श्रेया, ये मैं प्रॉपर्टी फोर करा रहा हूं, प्रॉपर्टी फोर्थ जो इवन और ऑड फंक्शन वाली थी उसी के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। श्यामनी, नहीं बेटा, फुल आंसर, थिंक अबाउट द फुल आंसर, इज इट अ इवन फंक्शन और अ ऑड फंक्शन। अगर मैं पूरा का पूरा एज अ होल देखूंगा तो कुछ भी नहीं है, एज अ होल दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस हाफ से हाफ बॉक्स एक्स प्लस माइनस हाफ टू हाफ एल एन वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जहां ये दो पार्ट में मेरा ब्रेक हो गया,
जहां ये मेरा दो पार्ट में ब्रेक हो गया, मैं तो भूल गया, मैं क्या भूल गया कि ये तो ऐसे भी आता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ऐसा क्यों ब्रेक किया मैंने? क्योंकि एज अ होल वो पूरा का पूरा फंक्शन, एज अ होल वो पूरा का पूरा फंक्शन कुछ नहीं था, नीदर इवन नॉर और। लेकिन जैसे मैंने ब्रेक किया, मैंने सेकेंड पार्ट को नोटिस कर लिया था, ये अगर मैं इस पार्ट को नोटिस करता पुराने वाले की तरह, ये पार्ट क्या है? जस्ट दिस पार्ट, दिस इज अ ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट कैन आई से अबाउट दिस वैल्यू? इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो मैं इसके नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या होऊंगा? सीधे सीधे ये पार्ट मेरा जीरो हुआ। बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स को कैसे निकाला जाता है? डू वी रिमेंबर बॉक्स एक्स को कैसे निकाला जाता है? बॉक्स एक्स को मुझे ब्रेक करना पड़ता था, कहां पे? इंटीग्रल वैल्यूज पे, इंटीजर्स पे, यानी माइनस हाफ से जीरो एंड जीरो से हाफ। माइनस हाफ से जीरो में बॉक्स क्या होता है? माइनस वन। जीरो से वन में क्या होता है बॉक्स? जीरो। उसके बाद सीधे सीधे मैं आंसर, जो मेरा फाइनल आंसर आता है, दैट इज ये माइनस बाहर जाएगा, जीरो माइनस माइनस हाफ, तो फाइनल आंसर वुड बी माइनस हाफ। ठीक है, काफी लोगों ने मुझे दिया भी था, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आगे बढ़े, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर तक लाने की कोशिश करोगे? फुल आंसर चाहिए, फाइनल आंसर सब लोगों से। माइनस टू से टू मॉड ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है? दो मिनट लो, गेट मी द फाइनल आंसर एवरीवन, ठीक है?
आंसर आया? ओके बहुत कम लोगों का आया, इतने आराम आराम से क्यों करते हो? आंसर 4 है, इतने आराम आराम से है, इतने आराम आराम से कहें मतलब बारिश हो रही है सब लोग। आज बारिश बहुत हो रही थी यहाँ पे मुंबई में, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। आवाज आ रही है मेरी? Yes, मैंने sir. हाँ ठीक है ठीक है। मस्त बारिश हो रही थी, घर में कोई था नहीं, नहीं तो समोसा वमोसा या पकौड़ी बना के आराम से बारिश होती, कोल्ड ड्रिंक पीते। हाँ ठीक है, वापस आ जाते हैं। यस, प्याज के पकौड़े सही रहता है। मतलब मेरा मेरा स्कूल शायद आप कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, मैंने अपनी स्कूलिंग की है आर्मी स्कूल से, आर्मी स्कूल फैजाबाद, मतलब आर्मी स्कूल फैजाबाद, मतलब मैं डैडी आर्मी से नहीं थे, आर्मी स्कूल वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन माई सिटी, सीबीएसई से मैंने की थी। तो मेरे आर्मी आर्मी का एरिया कैंट का एरिया होता है ना, जनरली कैंट का एरिया थोड़ा सा सिटी सिटी के एक एंड पे होता है, तो मेरी सिटी के एक एंड पे था, पूरा कैंट एरिया था, ये कैंट एरिया था पूरा, और यहाँ पे रिवर थी पूरी, ठीक है। मान लो ये सिटी, यहां से मैं सिटी की रोड से आया, ये पूरा कैंट एरिया है, यहाँ पे मेरा स्कूल है, ठीक है, और ये पूरा एरिया है। कैंट एरिया मतलब कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट ओके, कैंटोनमेंट मतलब जहां पे मिलिट्री पर्सन रहते हैं, मतलब उनकी पूरी की पूरी उनका रेजिडेंस, मिलिट्री हॉस्पिटल, सब लोग वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, हम लोग स्कूल के बाद जब बचपन में तो नहीं, 11 12th में जो स्कूल के बाद चले जाते थे या कभी भी छुट्टी मना नहीं हो गए, तो यहाँ पे ये पूरा रिवर था और ये गुप्तार घाट कहलाता था, गुप्तार घाट, घाट नॉर्मल टर्म है, घाट वाला, ठीक है। पूजा मैम हैंड रेस कीजिए। तो हम लोग जाते थे काफी बार स्कूल के बाद, सब लोग जाते थे एंड वहीं पे अटेंडेंस के लिए वहां पे जाके कोल्ड ड्रिंक पीते थे, पकौड़ा खाते थे, बनती थी वहीं पे फ्रेश फ्रेश। तो खूब किया है ये सब स्कूल स्कूल के बाद, मतलब एरिया होता था, ग्राउंड्स होते थे, तो कैंट एरिया थोड़ा सा अलग ही होता था, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नेचुरल नेचुरल लाइफस्टाइल होती है वहां की, तो वो सब फॉलो होता था कैंट में हम लोग, ठीक है। हाँ तुम लोगों के लिए भी पकौड़ा बनाए, ठीक है। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पिकनिक लेके चलना है यार, तो पिछली बार सोचा था तुम सबको पिकनिक लेके चले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, नहीं तो एक गेट टुगेदर प्लान की थी पिछली बार जब लॉकडाउन खुल रहा था, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस, कोई ये बताओ, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस, इज दिस अ इवेंट फंक्शन, यस, एफ ऑफ माइनस एक्स भी एफ एक्स है, तो मेरे लिए फंक्शन हो गया 0 से 2 मॉड ऑफ 1 - x²dx। पहली चीज तो ये, कितने टाइम्स, हमेशा याद करना, जब 0 से 2 आ जाता है तो क्या मिसिंग होता है, मैं क्यों लिख रहा हूं, जब 0 से 2 आ जाता है तो क्या हो जाता है, 2 टाइम्स, यस, यहां तक समझ में आया। अब मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन को मुझे अलग से यहां पे ऐसे चेक करना है, 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ब्रेकिंग पॉइंट, इसका ब्रेकिंग पॉइंट मॉड का क्या होगा, 1 होगा ना, 0 से 1 एंड बेसिकली 1 एंड -1 होगा, बट 0 से 2 में इट इज जस्ट 1, तो अगर मैं ब्रेकिंग ब्रेकिंग पॉइंट देखूं तो एक 0 से 1 है और 1 से 2 है, 0 से 1 में ये पॉजिटिव होगा एंड 1 से 2 में ये निगेटिव होगा, ठीक है। तो 1 से 2 में निगेटिव, 0 से 1 में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को 1 - x² से ही खोला, निगेटिव अगर बाहर आया तो ये बेसिकली 1 से 2 x² - 1 बन गया, तो ये मॉड खोलने वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद का पूरा सॉल्यूशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द माय फाइनल आंसर, एवरीवन, चीजें समझ में आई,
इसका आंसर मेरा वो है। किसी को अगर ये चीज भूल गया हो तो हमेशा मॉड के अंदर जो भी चीज है उसका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए चेक कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए चेक कर लोगे तो उससे तुम्हें मिल जाता है कि बेसिकली किस किस पोजीशन पे वो पॉजिटिव है एंड किस किस पोजीशन पे वो निगेटिव है। ये कैसे सॉल्व करते हो? ये वेवी कर्व मेथड से, इन इक्वेशन वाला मेथड से सॉल्व करते हो। आगे बढ़ते हैं, व्हाट अबाउट दिस, करो इसको एवरीवन। माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू है डिनोमिनेटर की कुछ वैल्यू है, मुझको फाइनल आंसर चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, कुछ लोग जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी जल्दबाजी में आंसर दे। माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, गिव मी द आंसर। ठीक है, काफी टाइम हो गया, जल्दी से ये क्वेश्चन करने के बाद वी विल कम टू द किंग्स प्रॉपर्टी। इसके बाद हम किंग्स प्रॉपर्टी पे आएंगे। एनीवन, किसी का आया, कोई बताएगा कि क्या करना है, कोई पहला स्टेप बता भी देगा तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि आ रहा है। ओके श्रवण, नोटिस करोगे कि ये वाला अगर वन ना होता, अगर ये वाला वन ना होता तो बाकी सब ऑड फंक्शन हो रहा है। मतलब अगर मैं इस ये पार्ट न्यूमरेटर का ये पार्ट देखूं, न्यूमरेटर का ये पार्ट देखूं तो दिस इज अ ऑड फंक्शन, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, मुझको ब्रेक करना पड़ेगा न्यूमरेटर दो पार्ट में, कैसे, ये प्लस वन वाला पार्ट और बाकी वाला पार्ट। जैसे ही मैंने उसको ब्रेक कर लिया तो मेरा एक पार्ट मेरा पूरा का पूरा ऑड फंक्शन बन गया एंड सेकेंड पार्ट मेरा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट में पहला वाला पार्ट का आंसर क्या आया, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आया, जीरो। क्यों? क्योंकि ऑड फंक्शन जहां पे भी माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर है तो बहुत ज्यादा चांस है कि कहीं ना कहीं मुझे इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज वो देने का मतलब एक मोटिव होता है ना, वो चला गया, मैं माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर नहीं दूंगा, मैं कुछ और दूंगा या कहीं कट करके भी ये सिमेट्री आ रही है तो ये यूज करना है, तो मेरा सीधे सीधे माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर सेक स्क्वायर एक्स बना, पहला वाला पार्ट मेरा जीरो हो गया। अब इसके बाद आंसर निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंसर शायद टू आता है, द फाइनल आंसर इज टू। एवरीवन, द फाइनल आंसर इज टू। फर्स्ट पार्ट जीरो क्यों बना, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी, श्रेया फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ऑड फंक्शन के लिए माइनस ए टू ए जीरो होता है, इवन फंक्शन के लिए माइनस ए टू ए टू टाइम्स होता है, दैट इज माय फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट उसमें मूव करें, जस्ट अ मिनट प्लीज।
ये सोच के ही मैंने किया, क्यों? क्योंकि इशू किया था ना इसने, जब मैंने इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन चेक करने की कोशिश की तो सब कुछ सही बैठ रहा था एक्सेप्ट दैट वन। तो मेरा काम रहा उस वन के ऊपर फोकस करना, उस वन को मैंने साइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, होमवर्क मतलब नेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चन है, मैं दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि सॉल्यूशन है, वो सब के सब तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है? मैं शीट शेयर कर दूंगा, उसको ट्राई करोगे। अब आते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला था किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में? किंग्स प्रॉपर्टी को और क्या बोलते हैं? किंग्स प्रॉपर्टी को और क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी एट, सर ने प्रॉपर्टी एट नहीं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? क्या ये प्रॉपर्टी बोलती है? दिस इज द प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी सेज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देखो, मैंने फंक्शन के अंदर की जो चीज है वही चेंज कर दी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है? मतलब मैं अगर एग्जाम्पल से समझाता हूं तो तुम्हारा तो मेरा ये कहना है 2 से 7 एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज 2 to 7 एफ ऑफ, बताओ एफ ऑफ, बोलो यस, बाकी सब लोग बोलो। कुछ लोग 9 + x क्यों बोल रहे हैं? इट इज 9 - x dx, 9 - x dx, ठीक है एवरीवन? दिस इज द प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी। आई कॉल दिस एज फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ अब इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूं, लिख लो भले ही, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉपर्टी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें कॉमन सेंस से समझ में आ जाती थी, एम आई करेक्ट? ये तुम्हें कॉमन सेंस से तुरंत नहीं समझ में आ रही है ना, ये लग रही है कि इसमें कुछ है, तो मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निकालना है। मैं x को a प्लस बी माइनस टी पुट कर सकता हूं, प्रूफ नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली। x को a प्लस बी माइनस टी पुट कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है, मैं तो x को कुछ भी पुट करूं, ठीक है? तो dx की वैल्यू क्या हुई? माइनस dt। तो f ऑफ a प्लस बी माइनस टी माइनस dt, और लिमिट्स देखो कैसे चेंज हुई, x इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी, तो एट x इज इक्वल टू a, t की क्या वैल्यू है? एट x इज इक्वल टू a, t की क्या वैल्यू है? b, पुट कर दो, और एट x इज इक्वल टू b, t की वैल्यू a। तो इसी वजह से देखो लिमिट पलट जा रही है ना, इसकी लिमिट a टू b थी, इसकी लिमिट a टू b थी, लेकिन t में जैसे ही क्वेश्चन आया लिमिट क्या बन गई? b टू a। ये चेंज हुआ ना लिमिट्स का, क्यों आया? क्योंकि नाउ ये जो लिमिट है ये विद रिस्पेक्ट टू t है। यहां तक क्लियर है सबको? और कोई भी माइनस कैसे एडजस्ट हो जाता है लिमिट को चेंज करके? ये माइनस कैसे चेंज हो जाएगा? ए टू बी,
सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, और इसके बाद मैं क्या पुट यूज कर सकता हूं, इसके बाद वाला स्टेप क्या, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? After this, which property I need to use? First property. Yes. इसके बाद first property. I can convert my t into any other variable. तो मैं अपनी t को मैं अपना x में ही कर देता हूं. तो जो नीचे लिखा है वो basically ये लिखा है ना, जो भी नीचे लिखा है that is this only ना, basically. अगर मैं इसको कंपेयर करूं फर्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू, तो दिस इज सेम एज दिस. गॉट इट? तो सबको समझ में आ गया ये प्रूफ, सबको समझ में आ गया. मैंने क्या किया, x को a प्लस बी माइनस टी पुट कर दिया. मेरी मर्जी है मैं कुछ भी पुट करूं. मैंने a प्लस बी माइनस टी क्यों पुट किया, क्योंकि यहां पे f के अंदर a प्लस बी माइनस टी आ रहा था, तो उसने मुझको हिंट दिया एंड देन आई पुट इट. एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं. डन? यस, ठीक है. बेसिकली दिस इज प्रॉपर्टी फिफ्थ. किंग्स प्रॉपर्टी तो इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. दिस इज प्रॉपर्टी फिफ्थ. मैं आगे बढ़ता हूं, लेट्स मूव फर्दर. पहला एग्जांपल है, एवरीवन ये ट्राई करो, मैंने यहीं पे दिया है, ट्राई करो इसको खुद से. फिर मैं ये एग्जांपल की तरह है लेकिन खुद से भी ट्राई करो. 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. मेरा हिंट है कि मुझको किंग्स प्रॉपर्टी लगा के ही करना है. आई डोंट वॉन्ट यू टू इंटीग्रेट दिस देन पुट वैल्यू. नहीं, पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. आई नीड टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी, तो किंग्स प्रॉपर्टी यूज करके ही करोगे. ठीक है, नहीं सो हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है. इसमें मास्टर होना बहुत जरूरी है फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन. नेक्स्ट वीक आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा. क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, अगर मैंने किंग्स प्रॉपर्टी यूज की क्या हुआ, यह समझ में आता है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स बना. यहां तक सब लोगों ने किया होगा. अब इसके बाद मैं क्या करूं, इसके बाद मैं क्या करूं, यही मैं सोच रहा हूं. ये भी आई है, ये भी आई है, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है. नहीं, वॉलीज, वॉलीज नहीं, वॉलीज यूज ही नहीं करना है. नहीं तो अगर वॉलीज यूज करना होता तो मैं, ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू यूज वॉलीज, आई वॉन्ट टू यूज किंग्स प्रॉपर्टी. ये भी साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है. ठीक है, क्या होता है बेसिकली साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर में क्या हो जाता है, मैंने अगर दोनों को एड कर दिया, वॉट आई विल डू, मैं दोनों आई को एड कर दूंगा. और जैसे ही मैं दोनों आई को एड कर दूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड 2i और मेरा राइट हैंड साइड 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज 1. ठीक है, तो दिस वे ये 1 को इंटीग्रेट करना मेरे लिए ज्यादा ईजी है. समझ में आ रहा है, कॉस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मिला, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया तो वो
वन बन गया. तो फाइनल आंसर क्या हुआ? व्हाट इज द फाइनल आंसर? पाई बाय टू. आई का आंसर टू, आई का आंसर पाई बाय टू, तो आई का आंसर पाई बाय फोर. क्लियर? तो किंग्स प्रॉपर्टी में ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दो आई निकलते हैं, क्यों? एक लेफ्ट हैंड साइड था और एक नया आई निकल जाता है उसको चेंज करके, और उन दोनों को मैं ऐड करूंगा. द मोमेंट आई ऐड बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया. प्लीज राइट इट डाउन सब लोग. आगे बढ़े. फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, फर्स्ट क्वेश्चन. पिछला वाला क्वेश्चन काफी लोग बोल रहे थे, सर मैं वॉलीज यूज कर लूं, मैं कुछ ना कुछ यूज कर लूं, कुछ पर्टिकुलर चीज यूज कर लूं. क्यों? क्योंकि वो एग्जांपल था. क्या इसमें तुम कोई भी मेथड या किसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? कैन यू इंटीग्रेट दिस थिंग dx अपॉन 1 प्लस tan x की पावर रूट 3? कोई है जो आप में से जो इसको इंटीग्रेट कर सकता है? ये इनडेफिनेट का क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता. यू कैन नॉट इंटीग्रेट इट. बहुत ही क्लियर कट मैं बोल दे रहा हूं, यू कैन नॉट इंटीग्रेट इट. ठीक है, इनडेफिनेट का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. अब मैं आ रहा हूं डेफिनेट के बारे में. डेफिनेट के हिसाब से सोचेंगे एंड डेफिनेट के हिसाब से मैं कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा या कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहूंगा. तो मेरे लिए अभी एक प्रॉपर्टी ध्यान में है, किंग्स प्रॉपर्टी. तो मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा एंड करूं जो एग्जैक्टली सेम मेथड जो पिछले उसमें किया था. आई हैव टू डू द सेम मेथड एंड सी कि क्या मेरा आंसर निकलता है. एवरीवन, पूरा मुझे फाइनल आंसर चाहिए आप लोगों की तरफ से. नेक्स्ट आधा एक घंटे हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चन एज वेल एज क्वींस प्रॉपर्टी देखेंगे. ठीक है, जब क्वींस प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी उसका एक दो क्वेश्चन देख के ब्रेक लेंगे. ओके तोहिन, गुड. बाकी लोग भी आंसर दो. ओके स्वयं, मैं इतना पीछे कैसे आ गया? पहला स्टेप, द आंसर इज पाई बाय फोर. पहला स्टेप वही अपना, a प्लस बी माइनस एक्स. ए प्लस बी माइनस एक्स, जीरो प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स. तो टेन पाई बाई टू माइनस एक्स. वॉट इज टेन पाई बाई टू माइनस एक्स? कॉट एक्स. ठीक है, यहां तक सब लोगों ने किया होगा, यहां तक काफी लोगों ने किया होगा. अच्छा, ये मैं वापस से समझाता हूं. यहां तक सब लोगों ने किया. अब इसके बाद क्या किया गया? बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट पेज मैं दिखा रहा हूं क्या किया गया. कॉट को क्या लिख सकते हैं? वन प्लस वन बाई टेन एक्स की पावर रूट थ्री.
अब यहां पे अगर मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद ये टेन एक्स ऊपर आ गया, टेन एक्स रूट थ्री अपॉन ये टेन एक्स रूट थ्री प्लस वन डीएक्स। तो यही चीज देखो, यही चीज शायद मैंने नेक्स्ट पेज के पहले स्टेप पे लिखी है, जो ये चीज आई है कॉट को टेन में कन्वर्ट करने के बाद वही चीज ये ऊपर लिखी है। एवरीवन क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं ऐड कर रहा हूं किसको, एक ये आई है मेरा, दिस वाज आई, और मेरा एक क्वेश्चन का आई था जीरो से फाइव बाई टू वन अपॉन वन प्लस। तो अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो देखो टू इधर टू आई बना, और इन दोनों को ऐड किया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करने के बाद कैंसिल हो जाएंगे। इतना कॉमन सेंस है आई गेस आप लोगों के पास, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल होके मुझको आंसर दे देंगे, कौन सा आंसर, वन। तो फाइनल आंसर इसका भी पाई बाई फोर है। एक और करें, एक और करें। ठीक है, दिस इज समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन था, इंटीग्रेट द फॉलोइंग टेन एक्स रूट थ्री था, मैंने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया तो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर दोनों को ऐड करके वन हो जाएगा दिस, और ये दोनों मिलके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम बन दे देंगे। ठीक है, एवरीवन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका फाइनल आंसर बताओगे, इंटीग्रेट करना है 5200 इंटीग्रेट करना है, क्या बोल रहे हो देखता हूं मैं। एवरीवन मुझे पूरा का पूरा आंसर दोगे, फाइनल आंसर, आई वॉन्ट फाइनल आंसर फ्रॉम यू। ओके, आंसर आने शुरू हुए हैं मेरे पास। और लोग भी आंसर दो, अभी एक दो लोगों ने दिया है। हाँ मंदार, करेक्ट। यश श्रवण, सिली मिस्टेक नहीं। हाँ यश श्रवण, अभी करेक्ट है। द फाइनल आंसर इज, प्रणव गुड, द फाइनल आंसर इज 25। कैसे आया 25? वही पहले स्टेप में तो कुछ करना ही नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इज मैं किससे रिप्लेस करूंगा, 50 प्लस 100 माइनस x से 150 माइनस x से मैंने रिप्लेस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी रिप्लेस कर दिया, उसके बाद वापस दोनों को ऐड किया तो वही चीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम बन गए। ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करना होता है, I have to add these two. Denominator same है तो add करने में numerator भी add हो जाता है directly. तो
दिस इज लाइक कैंसिल कैंसिल, वन का इंटीग्रेशन x, x विल लिमिट 0 टू 50, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया i इज इक्वल टू 25. रेज योर हैंड जिनसे जिनसे आया था, जस्ट वॉन्ट टू सी एवरी वन, रेज योर हैंड जिनसे जिनसे ये आंसर आया था. 25 आ गया था बिफोर, या मतलब आ रहा था या आ गया था, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेप तक पहुंच गए थे. रेज योर हैंड, यस आई वॉन्ट टू सी कम लोगों से आया है कि नहीं. अच्छा, अनम्यूट वाले, मैंने पहले म्यूट वाले दिख रहे थे, यस ठीक है, लेकिन बाकी लोगों से भी आना चाहिए, कम लोगों से है, मैं काफी लोगों से आंसर आंसर आना चाहिए था ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये, इसको होमवर्क में सॉल्व करोगे. ठीक है, अब वही चीज है, तुम बोलोगे सर कहां से लगेगा इसमें किंग्स प्रॉपर्टी, क्यों कैसे क्लिक करेगा, नहीं क्लिक नहीं करता. ठीक है, वही बोल रहा है, अगर तुम्हें तुम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. एवरीवन मैं दिख रहा हूं प्रॉपर, माय वीडियो इज लैगिंग. ओके, आज ही इंटरनेट वाले को बुलाया था, फिर पता नहीं. ठीक है, मैं चेक करूंगा अब एक बार, अपनी तरफ से भी चेक कर लेंगे कल. वही करना होगा. मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि सुनो, मैं ये बोल रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और तुमसे कुछ भी अगर कुछ भी डायरेक्ट देखने से इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे उसमें दिमाग में ये एक हिंट आएगा कि मैं इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊं. ठीक है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आज की क्लास का, जो मैंने शायद पिछली क्लास में भी बोला था, लगाओगे फाइनल आंसर आ जाएगा, होमवर्क में करोगे. डू दिस राइट नाउ, इसको करो अभी. एवरीवन डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ. Not all types of question, obviously King's property cannot solve all types of problem. अगर ऐसा ही होता तो इकलौता ही नाम होता. There are many properties, but King's property is the most important one. Everyone, इसका आंसर लाने की कोशिश करोगे, अगेन 2 मिनट है सबके पास, 2 मिनट में इसका आंसर लाओ. अभी तक आया ही नहीं आज किसी का आंसर, क्या बात है, इतना आराम आराम से.
वेट करो, चलो वेट कर लेता हूँ। सने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा ना, साइन टू एक्स एल एन टेन एक्स सही लिखा है। नई नक्षत्र किसी एक का आंसर अभी सही आया था, किसने दिया था वापस दे, अभी एक दो लोगों ने आंसर दिया था वो लोग वापस दे। हाँ जोशुआ करेक्ट है, मंदार करेक्ट है। गुड अश्वत, क्या करना होगा? स्टेप्स तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, स्टेप्स तो वही है। पाई बाई टू माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स क्या होता है, ऐड करो पाई बाई टू होता है ना, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं। तो मेरा जो रिप्लेसमेंट होगा, जो मेरा एक्स का रिप्लेसमेंट होगा वो पाई बाई टू माइनस एक्स से होगा। तो साइन टू एक्स में एक्स का रिप्लेसमेंट पाई बाई टू माइनस एक्स से, ये वाला एक्स भी पाई बाई टू माइनस एक्स से, दोनों वाला एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स से करना पड़ेगा ना, कोई एक से नहीं होगा। इट हैज टू बी डन इन द इन बोथ एक्स, ये एक्स एज वेल एज दिस एक्स, ठीक है? तो देखो हुआ क्या, दो स्टेप एक्चुअली इसमें एक साथ आ गए हैं। सबसे पहले मैं यहां पे समझाता हूं, ये वाला पार्ट क्या बना, पहला वाला पार्ट क्या बना, पहला वाला पार्ट बना, यहां पे लिख रहा हूं साइन टू अंदर गया पाई माइनस टू एक्स, क्या बनता है साइन पाई माइनस टू एक्स, साइन पाई माइनस टू एक्स, प्रणव तब पड़ेगा सही हो जाओगे, साइन पाई माइनस टू एक्स तो जा, ये सब लोग माइनस साइन कहां से है, माइनस साइन टू एक्स, कुछ लोग कॉस, नहीं बेटा साइन ऑफ पाई माइनस टू एक्स क्या बनेगा, साइन टू एक्स बनेगा ना, साइन टू एक्स बनेगा ना। तो सुनो, काफी लोग यहां पे हैं जिनसे ये चीज नहीं आई, तो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट है, तुम्हारे जूनियर्स का बैच शुरू हो गया है, ठीक है? तुम्हारे जूनियर्स का बैच शुरू हुआ है, तो उसमें एक तो एक मैथ लेक्चर लेता हूं, दैट इज अ जेई लेक्चर, फिर एक मैथ्स बेसिक्स का लेक्चर होता है जिसमें हम, जिसमें मैं नहीं लेता, बिल्कुल मैथ्स बेसिक फाउंडेशन लेक्चर, जिसमें वो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शंस एलसीएम लेना, जिसमें जिसमें वो सारी चीजें सिखाते हैं। तो प्लीज वो अटेंड करना शुरू कर दो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ओके? मुझको अलग से मैसेज कर देना, मैं लिंक भी भेज दूंगा तुम लोगों को जिनको अटेंड करना है, बेसिक फाउंडेशन लेक्चर 10th का, उसमें ये भी सिखाएंगे साइन ऑफ पाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, पहली चीज ये क्लियर होगी। यहां टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या बनेगा, एल एन कॉट एक्स, ये क्लियर है एल एन कॉट एक्स, बट एल एन कॉट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट दिस एज माइनस एल एन टेन एक्स। तो इसी वजह से तो ये थर्ड लाइन आई, थर्ड लाइन कैसे आई, पहला और दूसरा पार्ट को लेके माइनस साइन टू एक्स, ये माइनस कौन सा, कहां से माइनस आया है, एलएन से आया है, ये माइनस एलएन से आया है और साइन टू एक्स एज इट इज रहा, गॉट इट?
तो आई इज इक्वल टू दिस, ये बन गया मेरा क्लैरिटी। इतनी क्लैरिटी हुई। तो ये आई और ये आई देखो क्या है, ये दोनों आई, अगर इन दोनों आई को मैं ऐड किया, ऐड एडीडी, तो आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक आई और दूसरा आई आपस में एक दूसरे का निगेटिव है। ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के निगेटिव होते हैं? जीरो। बेसिकली ऐड करोगे तो टू आई इक्वल टू जीरो, विच इज आई इक्वल टू जीरो। टू आई इक्वल टू जीरो विच मीन्स आई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट करूं, शैल वी डू नेक्स्ट? तो इस वजह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू जीरो, विच मीन्स i इक्वल टू जीरो। तो ऐसा थोड़ी जीरो भी तो हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करके जीरो भी हो सकता है। ठीक है, करो जल्दी से, एवरीवन डू दिस राइट नाउ, अभी यहीं पे करोगे और मुझको आंसर बताओगे, ये करोगे और आंसर बताओगे, इसके बाद नेक्स्ट वाला होमवर्क रहेगा तुम्हारा। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट 10-15 मिनट, इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। हर्षया सीधे सीधे किंग्स प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले a प्लस बी देखोगे, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो क्या किया था, i निकाला था और वापस i निकाला था, तो दोनों i एक दूसरे के निगेटिव आ गए थे, तो एक दूसरे के निगेटिव आने से 2i इक्वल टू जीरो बन गया। द सेम थिंग यहां पे भी होगा, कैसे होगा, 3π/8 प्लस पाई बाय 8 बिकम्स पाई बाय 2, ऐड कर लो, सीधी सी बात है, पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 उसके बाद ऐड करेंगे, अगर मैंने दोनों को ऐड किया और तो मुझे x को किससे रिप्लेस करना होगा, मुझे x को रिप्लेस करना होगा पाई बाय 2 माइनस x से, पाई बाय 2 माइनस x से, तो साइन पाई बाय 2 माइनस x ऊपर वाला cos बना और ये नीचे साइन बना। अब अगर मैं ऐड करूंगा तो अगेन ऐड करने पे जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ये ln के अंदर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसको कैन वी राइट दिस माइनस टाइम्स इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ऊपर वाला मैंने बनाने की कोशिश की, जैसे ही रेसिप्रोकल करके मैंने ऊपर वाला बना लिया, मेरा आंसर एक दूसरे का निगेटिव हो गया। द फर्स्ट इज आई इज something, the second i is minus of that something, when we add that 2i comes out to be 0, 2i comes out to be 0, it means the answer is 0, got it? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होमवर्क। अगेन होमवर्क, dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 10x, होमवर्क। ये भी होमवर्क, ये प्लस है, ठीक है, दिस इज प्लस वो, ठीक है। इसमें भी कुछ नई चीज ऐसी नहीं आ रही जो बताने लायक हो। ठीक है, एवरीवन इसको सॉल्व करके आंसर लाओ, मुझे पूरा आंसर, चलो
माइनस वन टू वन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स. तो एवरीवन आई वांट द फाइनल आंसर ऑफ दिस. पूरा आंसर क्या फाइनल आंसर है बोलो, वो ही करो. ठीक है, दो चार मिनट लोगे, दो चार मिनट लो, पूरा फाइनल आंसर लाने की कोशिश करो. चलो करो. ये इसका फाइनल आंसर ले आओगे तो ये चीज मुझे क्लियर हो जाएगी कि जो डायरेक्ट किंग्स प्रॉपर्टी का क्वेश्चन होगा वो तुमसे गलत नहीं होगा, वो तुम ले कर लोगे. ऑब्वियसली कुछ मैनिपुलेशन के साथ जो आएंगे तो वो भी हम धीरे धीरे देखेंगे. करो. Everyone, answer आया? What is the final answer? Zero? नहीं, zero नहीं है final answer. Final answer is not zero. माइनस वन टू वन बेसिकली एक्स किससे रिप्लेस होगा पहले मुझको ये बताओ. द फाइनल आंसर इज ई माइनस वन बाई ई. द फाइनल आंसर इज ई माइनस वन बाई ई या फिर ई स्क्वायर माइनस वन बाई, मतलब आंसर मैं लिख दे रहा हूं ई माइनस वन बाई ई. दिस इज माई फाइनल आंसर. एक्स किससे रिप्लेस होगा? माइनस एक्स से. क्यों? क्योंकि माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन. ठीक है, तो एक्स अगर माइनस एक्स से रिप्लेस हुआ तो ये माइनस एक्स बन गया, ये एक्स बन गया और ये वन अपॉन ई की पावर एक्स बन गया. ये तीन चीज बन गई, कूद के आ गया वो, फिर कूदा. ठीक है, यहां एलसीएम हो गया, ये ई की पावर एक्स ऊपर पहुंच गया, बाकी एज इट इज. क्लियर है? अगेन एड, एड करेंगे, अगर एड करेंगे, एड करेंगे तो अगर मैं एड करूंगा तो तुमने नोटिस किया जो कॉमन पोर्शन है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाहर ले लेंगे. मतलब अगर मैं एड कर रहा हूं तो ये है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन वन प्लस e की पावर x, और इधर क्या है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन वन प्लस e की पावर x. एड करने से वन प्लस e की पावर x डिनोमिनेटर एज इट इज रहा, इतना पोर्शन अगर मैंने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में क्या बन गया वन प्लस e की पावर x, जो मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर देता हूं सिर्फ न्यूमरेटर बन रहा है. गॉट इट?
सबको समझ में आ गया होगा, मुझे उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं लग रही है। आगे बढ़े तो यहां तक ये अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद तो मैं इंटीग्रेट कर ही सकता हूं, ये पोर्शन मुझे इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मुझे कोई भी इशू किसी भी स्टेप पे नहीं हो रहा है। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिमूव दिस, पता नहीं दिस प्रॉब्लम हैज टू रिमूव एक्सपोनेंशियल पार्ट, फंडे ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाता है आई इज इक्वल टू ई माइनस वन बाई ई। दिस प्रॉब्लम नहीं, दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली है, दिस प्रॉपर्टी ठीक है, बट वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही है। 17 प्लस 8x माइनस 4x स्क्वायर 6e की पावर 6 1 माइनस एक्स प्लस 1 0 से 2 ठीक है। इतना गंदा क्वेश्चन दिखा, गंदा क्वेश्चन है ना, क्यों गंदा क्वेश्चन है, कोई मुझे रीजन बताएगा व्हाई दिस इज अ दिस नॉट अ गुड क्वेश्चन? दो रीजन है, एक्सपोनेंशियल, हाँ जस्ट एक्सपोनेंशियल, मतलब दो रीजन है, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक मिल रहा है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिस इज पहला रीजन कि ये गंदा गंदा है। दूसरी चीज है डिनोमिनेटर में है दोनों, अगर दोनों न्यूमरेटर में होते तो फिर भी मैं बाई पार्ट्स या कुछ सोचता, दोनों डिनोमिनेटर में, तो दो वो मेजर रीजन है कि मैं इसको इंटीग्रेट करने का तो सोचूंगा ही नहीं, इसको मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टीज यूज करने की कोशिश करूंगा। और अगेन मतलब एग्जाम में जब आएगा तो तुम कोई और प्रॉपर्टीज में दिख रही है, कुछ लग रहा है कि कोई और प्रॉपर्टी, मतलब अभी तक जितनी भी पढ़ी माइनस ए टू ए कुछ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा और हो जाएगा ठीक है। होमवर्क में करना, ऑब्वियसली क्वेश्चन लंबा है, होता चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ और होमवर्क है, ऑब्वियसली शीट में मिलेंगे तुमको। अब क्या आया, अब क्या आया, क्वींस प्रॉपर्टी, किंग हो गया तो अब क्वीन आई, क्वीन प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, जितने इंपॉर्टेंट किंग्स प्रॉपर्टी होती है उतनी इंपॉर्टेंट क्वींस प्रॉपर्टी नहीं होती है एक्चुअली, मतलब फिर भी यूज हो जाती है बहुत ज्यादा। क्वींस प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत तुम्हारे अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं, एवरीवन सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो, इसको देखो और समझने की कोशिश करो, खुद से समझने की कोशिश करो, सबके पास एक मिनट है, पहले खुद से समझने की कोशिश करो कि क्या लिखा है, फिर मैं समझाऊंगा, मैं पूछूंगा और समझाऊंगा, दिमाग लगाओ।
एवरीवन सॉरी अब मैं देखूं जरा लोगों ने कुछ कुछ बताया होगा। अब मुझको बताओ सब लोग कि ऐसा हुआ क्यों, पहली वाली चीज और दूसरी वाली चीज में डिफरेंस क्या है। जीरो से टू ए दिस वॉज समवेयर, ये जीरो था। ये एक्चुअली फिगर सही से नहीं बना है, मैं फिगर सही से बना रहा हूं। सबसे पहले मैं एक्स एंड वाई एक्सिस बना रहा हूं। ये मेरा ए है। एवरीवन दिस इज माय ए। ये जीरो है। तुमको क्या दिख रहा है? तुमको ये दिख रहा है कि ये क्वेश्चन ए के अक्रॉस सिमेट्रिकल है। ये मेरा ग्राफ ए के अक्रॉस सिमेट्रिकल है। देखो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेट मी सी टेक अ वैल्यू, दिस इज 7, दिस इज 0, दिस इज -1। तो कोई मुझको बताएगा ये वैल्यू क्या होगी? यहां पे कहीं 14 होगी ना, और ये वाली वैल्यू क्या होगी? 15। ये समझ में आ रहा है? 0, 7, 7, 14, -1, 15। बेसिकली मेरा क्वेश्चन जो है वो 0 से 14 का अगर एरिया पूछा है, 0 से 14 का एरिया पूछा है, दैट इज सेम एज 0 से 7 का एरिया इंटू 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है ना, सिमेट्री का यूज करेंगे ना, तो उस सिमेट्री का यूज करके मुझको आंसर सिमेट्री किस लाइन के रेस्पेक्ट में है, मैं वापस पूछ रहा हूं। चलो आई एम लैगिंग सर, ब्लर। रुको, एवरीवन अब बताओ, वापस आ गया अभी मैं ठीक हूं? सिमेट्री किस लाइन के रिस्पेक्ट में थी? सिमेट्री थी एक्स इज इक्वल टू 7 में। यहां पे मेरी पहली उसमें सिमेट्री किस लाइन के रिस्पेक्ट में? एक्स इज इक्वल टू ए में। तो अगर इस प्रॉपर्टी को मैं किस प्रॉपर्टी से रिलेट करूं, अगर इस प्रॉपर्टी को मैं फोर्थ प्रॉपर्टी से रिलेट करना चाहूं, फोर्थ, तो फोर्थ में सिमेट्री किसके रेस्पेक्ट में होती है? कुछ फोर्थ में सिमेट्री होती है एक्स इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में। तो खुद ही सोचो ना, 2a को सिर्फ और सिर्फ 0 पुट कर दो। अगर मैं 2a a को 0 पुट कर दू तो पहली वाली लाइन क्या बन गई? अगर मैं a को 0 पुट कर दू तो पहली वाली लाइन क्या बन गई? f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इवन फंक्शन बन गया। दूसरे उसमें क्या बन गया?
ऑड फंक्शन बन गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बट यहाँ पे सिमेट्री सिमेट्रिकल लाइन वो एक्स इज इक्वल टू ए वाली लाइन है। तो अगर जीरो से टू ए का मुझको निकालना है, अगर जीरो से टू ए को मुझको निकालना है तो दिस इज द होल प्रोसेस। गॉट इट? सब लोगों ने लिख लिया होगा होपफुली प्रूफ, वही प्रूफ जैसे उसमें था, जीरो से ए, ए से टू ए, एक्स इज इक्वल टू टू ए माइनस टी। घर में देख लेना प्रूफ जब भी खाली बैठे हो, टू ए माइनस एक्स डी एक्स माइनस माइनस करेंगे, ऐड करेंगे। है सर ने पहले हाँ एग्जाम्पल ही बता दिया होगा। अब कैसे यूज होता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे यूज होता है? तुम्हें मान लो दिया है जीरो से पाई कॉस की पावर सिक्स एक्स डी एक्स। नाउ इसमें इशू क्या है, इस क्वेश्चन में इशू क्या है ये बताओ। What is the issue while solving this question? Yes, Rutuja, good. बाकी लोग, हमको चाहिए पाई बाई टू लेकिन मेरे पास है पाई, राइट? जैसे मुझको चाहिए फरारी लेकिन हमारे पास है मर्सिडीज। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो जीरो से पाई बाई टू मुझको चाहिए पाई बाई टू लेकिन पाई है, तो अब उसको वहां पे पहुंचाने के लिए, अब उसको वहां पे पहुंचाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी यूज की। क्यों यूज कर सकता हूं, क्यों यूज कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि कॉस का जो फंक्शन होता है, कॉस का फंक्शन इस तरह होता है, कॉस का फंक्शन। लेकिन इज इट कॉस, इज इट कॉस, दिस इज कॉस की पावर सिक्स, कॉस की पावर सिक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट पाई बाई टू। सॉरी पाई, दिस इज पाई, सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू पाई बाई टू। मेरा ए क्या है, व्हाट इज माय ए है, ध्यान रखना। लोग 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 गलती क्या करते हैं इसमें, इसमें ए और टू ए में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ऊपर है ये क्या होना चाहिए, दैट शुड बी टू ए, दैट शुड बी टू ए, राइट? वो मेरा टू ए है, वो मेरा ए नहीं है, दिस इज माय टू ए, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन किस में हो गया, सिंस इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू पाई बाई टू, आई कैन ब्रेक माई क्वेश्चन, आई कैन लाइक राइट द क्वेश्चन इनटू टू टाइम्स दिस। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ इतना लिखने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, किसना क्या करना पड़ेगा इसके बाद? यस एवरीवन, इसके बाद आई नीड टू डू, असीम कैसे किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हो, आई नीड टू डू वॉलीज, आई नीड टू यूज वॉलीज। वॉलीज जैसे करेंगे, कॉस की पावर सिक्स है, कॉस की पावर सिक्स, इतनी हायर पावर हमेशा वॉलीज से होती है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 15 पाई बाय 48, गॉट इट? आगे बढ़े, सर ने फिर गलती की है, 0 से 2 पाई साइन की पावर ये 4x है, दिस इज, एवरीवन करेक्ट कर लो, दिस इज साइन की पावर 4x। आंसर निकालो इसका, 0 से 2 पाई साइन की पावर 4x dx। I want the final answer from you guys. Everyone, zero से है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था 15 pi by 48, ठीक है? This is sine की पावर 4x dx। आंसर निकाल लो सब लोग, जल्दबाजी में नहीं स्वयं, एवरीवन नहीं स्वयं, ठीक है, जल्दबाजी में आंसर नहीं चाहिए। जीरो से टू पाई साइन की पावर 4x dx, गिव मी द फाइनल आंसर, दो मिनट है सबके पास।
टेक योर टाइम, गिव मी द आंसर, ठीक है? क्योंकि एक दो तीन क्वेश्चन करने के बाद हम ब्रेक लेंगे आई गेस. कितना टाइम हो रहा है? 40 मिनट हो रहे हैं ना, 15 मिनट बाद हम ब्रेक लेंगे. एवरीवन 15 मिनट और वेट करो, देन वी विल टेक अ ब्रेक. करो इसको. एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बताऊंगा, मे बी वो थोड़ी सी अच्छी सी चीज है. कोई हर कोई अपना आंसर डबल चेक करे, डबल चेक करे आंसर. हाँ सोहम करेक्ट है, बाकी लोग भी ट्राई करो. आंसर है एवरीवन, द आंसर इज 3π/4. द आंसर इज 3π/4. बहुत लोगों के अलग अलग आंसर आए, ये 4 है. सबसे पहली बात, क्या साइन हमेशा ये 2a होता है? क्या साइन पाई के अक्रॉस सिमेट्रिकल होता है? पाई के अक्रॉस साइन की पावर 4, साइन की पावर 4, इवन पावर. ये पाई है, इज इट सिमेट्रिकल अक्रॉस पाई? इज इट सिमेट्रिकल अक्रॉस पाई? यस. तो ये 2 हो सकता है, पहली बात ये 2 हो सकता है. देखो बाहर, फिर अगेन मैंने प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी 6, पाई बाई 2 के अक्रॉस भी सिमेट्रिकल है. दो बार मुझे लगानी पड़ी सेम प्रॉपर्टी, पहले पाई के रेस्पेक्ट में सिमेट्री देखी, फिर मैंने पाई बाई 2 के रेस्पेक्ट में सिमेट्री देखी, एंड उसके बाद मैंने सीधे सीधे मेरा आंसर निकला. कौन सा आंसर निकला? 4 × this × this, फंडे. ठीक है, यहां पे आने के बाद मैंने वॉलिस लगाया. क्यों? वॉलिस कब लगता है? पाई बाई 2 पे. तो मेरा पूरा का पूरा फोकस पाई बाई 2 लाने पे था, और उसके लिए मुझे दो बार प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, दो बार, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनडेफिनेट के मेथड से नहीं करोगे, डेफिनेट के ही मेथड से करोगे. यही जितना डेफिनेट का मेथड यूज करना आना चाहिए लोगों को, तो डेफिनेट के क्वेश्चंस ट्राई करो डेफिनेट के मेथड से. ठीक है, इवन इजी क्वेश्चंस भी ट्राई करो डेफिनेट के मेथड से. अगर नहीं हो रहा, देन दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 3π/4. मैं नेक्स्ट आऊं, इसका आंसर. एवरीवन, आई वांट द फाइनल आंसर फ्रॉम यू गाइस, अगेन द फाइनल आंसर फ्रॉम यू गाइस. आज काफी कुछ पढ़ लेंगे. कॉस की पावर 5x dx है फ्रॉम 0 to 2π.
एवरीवन यस गुड, लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। सबसे आंसर आए, पहला स्टेप क्यों हुआ। अब मैं कॉस की पावर 5 का ग्राफ की बात सोचता हूं। कॉस की पावर 5 का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर टू कॉस की का ही ग्राफ होगा। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। तो देखो, कैन यू गाइज नोटिस कि इज इट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू पाई। Is it symmetrical with respect to pi? Yes, it is symmetrical with respect to pi. तो मैंने पलट दिया, मतलब two times किया। लेकिन अब problem आई, problem नहीं आई, इनफैक्ट ज्यादा अच्छा हुआ। इसके बाद मेरा next step में ये क्या कर दिया सर ने, okay, सर ने वो लगा दिया इसके बाद, sorry, सर ने इसके बाद किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी। सर ने इसके बाद किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी। मुझे किंग्स प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं थी, मैं उससे भी देख सकता था। क्या देख सकता था, दोनों मेथड थे, या तो यहां पे 2i इक्वल टू 0 किंग्स प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, अदरवाइज क्या क्या कर सकते थे। वॉलीज नहीं श्रेया, वॉलीज नहीं, अभी वॉलीज कैसे लगा सकती थी, जीरो से पाई पाई है। अगर मैं वापस देखता विद रेस्पेक्ट टू पाई बाई टू, विद रेस्पेक्ट टू पाई बाई टू, तब क्या हो रहा था, देन इट वॉज लाइक अ ऑड फंक्शन, निगेटिव ऑफ अर्लियर, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी लगती, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज वॉट माइनस एफ एक्स, यही तो होता था ना एवरीवन, यही तो वो चीज मेरी बताती थी कि जब भी मैं अपनी सिक्स प्रॉपर्टी दैट इज क्वींस प्रॉपर्टी में कौन सा मेथड लगाऊं कि वो टू टाइम्स बने कि जीरो बने, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इधर गेटिंग इट टू टाइम्स और जीरो टाइम्स। तो यहां पे दो बार लगाओगे उससे भी जीरो आ गया, या फिर ये निकालने के बाद, इतना निकालने के बाद मैंने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, दिस इज किंग्स प्रॉपर्टी, तो उसके थ्रू भी आ गया। ठीक है, एक बार क्वीन लगाई, एक बार किंग्स लगाई, या दो बार क्वीन लगाने से भी आ जाएगा आंसर। आगे बढ़े, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बिफोर द ब्रेक, लास्ट क्वेश्चन बिफोर द ब्रेक, उसके बाद ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेक के बाद एक और प्रॉपर्टी करेंगे एवरीवन, ये क्वेश्चन करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस एक और प्रॉपर्टी करेंगे और क्लास खत्म करेंगे वो एक प्रॉपर्टी करके। फिर नेक्स्ट क्लास कब है, ट्यूसडे, बहुत अच्छी चीज होगी। मैं इसका होमवर्क दे दूंगा, डेफिनेट का भी होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज काइंड ऑफ, जो अभी ब्रेक के बात करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज काइंड ऑफ योर लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट काइंड ऑफ लास्ट प्रॉपर्टी, वो हम मैं बताऊंगा अभी बाद में। क्योंकि उसके बाद बेसिकली अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मेरी नेक्स्ट क्लास में होंगे, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे। अच्छा, क्या क्या कोई इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे, आई रिपीट, क्या इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता था, इतना बताओ। वो सिर्फ मतलब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते थे, क्या कोई मेथड था, शायद ये नीचे साइन
सर ने गलती की है. एवरीवन करेक्ट कर लो, दिस इज साइन स्क्वायर. एवरीवन करेक्ट कर लो, dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x. साइन की पावर 4 नहीं है. एवरीवन करेक्ट कर लो जल्दी से, दिस इज साइन स्क्वायर x. हाँ प्रणव, अब लोग बोल रहे हैं कि हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं लोग? लोग बोल रहे हैं कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें. ठीक है, तो मैं बोलता हूं नहीं कर सकते, स्पेशली फॉर एडवांस स्टूडेंट. जो कुछ स्टूडेंट्स एडवांस के लिए टारगेट कर रहे हैं वो मुझको बताओ मैं क्यों cos I repeat, my video is frozen. इस क्वेश्चन में अभी 5 मिनट बाद ब्रेक लेंगे हम, 5-10 मिनट बाद, 7 बजे हम ब्रेक लेंगे. 7:20-7:25 तक, 7:25 से वापस क्लास शुरू होगी. ठीक है, 7 o'clock we will take a break. 7:25 पे वापस क्लास शुरू होगी. Got it? सबको सुनाई तो पड़ रहा है, सबको सुनाई पड़ रहा है जो मैं बोल रहा हूं. 7 o'clock we will take break and 7:25 we will again start our lecture, जिसमें हम एक और प्रॉपर्टी करेंगे. Yes. मैं cos square से नहीं डिवाइड कर सकता. क्यों नहीं डिवाइड कर सकता? एक सीधी सी बात मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं डिवाइड कर सकता? हाँ रुतजा, गुड. क्यों? क्योंकि लिमिट्स अगर नोटिस करोगे, जीरो से पाई है मेरी लिमिट, जीरो से पाई है. जीरो से पाई में कॉस की वैल्यू पाई बाई टू पे कब होती है? कॉस की वैल्यू पाई बाई टू पे कब आएगी? कॉस जीरो आएगा. ठीक है, कॉस जीरो आएगा. तो ये क्वेश्चन अभी मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता. इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? सबसे पहले मुझे अपनी क्वींस प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी. क्वींस प्रॉपर्टी क्यों? साइन स्क्वायर सिमेट्रिकल होता है किसके रेस्पेक्ट में? पाई बाई टू के रेस्पेक्ट में. साइन स्क्वायर सिमेट्रिकल होता है ना पाई बाई टू के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर भी सिमेट्रिकल होगा. तो मेरा जो पहला स्टेप होगा, माय फर्स्ट स्टेप वुड बी दिस ओनली. ये 2, वो 4 नहीं है, 2. दिस इज 2, दिस इज 2. एवरीवन करेक्ट कर लेना. अब इसके बाद मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं. आई रिपीट, इसके बाद मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं. कुछ लोगों का आंसर आया है पाई बाई रूट 3, सही है. नाउ आई कैन डिवाइड माई क्वेश्चन बाई साइन स्क्वायर. क्यों? क्योंकि अब मेरे डोमेन कंडीशन मुझे प्रॉब्लम नहीं कर रही है. सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर. नाउ आई कैन डिवाइड माई क्वेश्चन बाई कॉस स्क्वायर. क्यों? क्योंकि जीरो से पाई बाई टू, वेन आई टॉक अबाउट लिमिट, वेन आई टॉक अबाउट जीरो से पाई बाई टू, तो जीरो एंड पाई बाई टू इंक्लूडेड होते हैं? नहीं होते हैं ना. जीरो एंड पाई बाई टू आर नॉट इंक्लूडेड. तो मैं cos pi by 2 डिवाइड, ओपन ब्रैकेट होता है, तो मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर सकता था. अब अगर मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड किया, सर ने बार बार गलती की है, दिस इज 2, दिस इज 2. एग्री? गॉट इट? sec स्क्वायर अपॉन sec स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर. तो आई गेस इसको आगे सॉल्व करना पता है ना, ये हमने सॉल्व करना देखा था ना. tan x को t मान लेंगे आगे, फंडे फंडे फंडे. दिस वॉज द होल मेथड. हाँ ठीक है, समझ में आया. तो हमने किंग्स प्रॉपर्टी, क्वींस प्रॉपर्टी और अपनी 3 प्रॉपर्टी देखी अभी तक, और एक प्रॉपर्टी और हम देखेंगे ब्रेक के बाद. तो आज हमने 4 प्रॉपर्टी देखी. ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वीक आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी खत्म होगा. अब मुझको आज रात में या कल मुझे होमवर्क याद दिला देना, मैं होमवर्क दे दूंगा. ठीक है,
हाउ डिड आई गेट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहाँ मिला? अच्छा इन्फिनिटी कैसे मिला, टेन एक्स को टी डालोगे ना तो टेन जीरो जीरो टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी। मैं भी सोचा इन्फिनिटी कहां से आ गया है। इसके बाद इसके नीचे मतलब दिस इज, ये तो मुझे ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है राइट क्योंकि टेन एक्स इज इक्वल टू टू इसके बाद तो तुम कर लोगे। ओके चलो ब्रेक लेते हैं, 7:25 पे लेक्चर वापस स्टार्ट कर, मतलब 7:20 पे मैं जॉइनिंग स्टार्ट कर दूंगा मीटिंग, 7:25 से लेक्चर वापस स्टार्ट हो जाएगा। सो प्लीज एवरीवन कम बैक ऑन टाइम, मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर, आई एम एंडिंग माय लेक्चर, मुझे मोबाइल वोबाइल सब चार्ज भी करना होता है सर। हाँ बेटा सर मुझे फर्स्ट प्रॉपर्टी में डाउट है, आप मतलब बार बार आप एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ टी लिख सकते हो, तो सर डज दैट मीन साइन स्क्वायर एक्स को हम e raise to x लिख सकते हैं when limits are same? क्या क्या? sin square x को क्या लिख सकते हैं? e raise to x, like एक function को दूसरे function में लिख सकते हैं। fx ft बन सकता है ना, fx ft बन सकता है, function थोड़ी change होता है। sin square x को sin square t लिख सकते हैं। Okay, तो सिर्फ variable change हो रहा है। variable change हो रहा है। हाँ sir, got it। ठीक है? Thank you sir। ठीक है, चलो everyone। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं 7:20 पे, 7:25 से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आई एम एंडिंग द मीटिंग।